कोरोना वायरस के खिलाफ टीके का इंतजार कर रहे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा देते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता होगी कि ये सभी तक पहुंचे। पीएम ने कहा कि हम अपने नागरिकों के लिए सबसे बेहतर टीका लेकर आएंगे। राज्यों को ब्लॉक स्तर तक इसके वितरण की तैयारी रखनी होगी। मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पीएम ने कहा कि टीके का एक विस्तृत प्लान जल्द ही राज्यों से साझा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि ब्लॉक स्तर पर टीम बने। ये टीम वैक्सीन लगाने के प्रशिक्षण और वितरण को लेकर लगातार काम करे। वैक्सीन आने पर फ्रंटलाइन वर्कर को उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि टीका उपलब्ध कराने का काम पारदर्शी होगा। राज्यों को आगे बढ़कर अब स्थानीय स्तर पर फोकस करना होगा। जांच पुष्टि व संपर्क की पहचान और आंकड़ों को प्राथमिकता पर रखना होगा। एक समय था कि अनजान ताकत से लड़ने की चुनौती थी। देश के संगठित प्रयासों से इसका सामना किया गया। ठीक होने और मृत्यु दर में भारत संभली स्थिति में है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद राज्य के अधिकारियों से बैठक कर उन्हें केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से निर्धारित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को वैक्सीन के परिवहन के लिए आवश्यक कोल्ड चेन उपकरणों की सूची तैयार कर भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य प्राधिकरणों को हिम सुरक्षा अभियान पर कड़ी नजर रखने को भी कहा। हैं वो प्रायोरिटी है ही, तो सीधे ही डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, और उसके बाद जो दूसरे जो जितने चाहे वो पुलिस है चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जिनको सीधा ही एक्सपोजर का ये रहता है। तो ऐसी सूरत में इसके अलावा और चीज़ों को लेकर के भी बहुत सारे डिटेल में, हाँ, जो एज ग्रुप है उसके लिए विशेष तौर से किया है, जो ऐसे हैं पेशेंट हैं किसी और बीमारी के, उनको उस संक्रमण से बचाना, इस वायरस से बचाना, वो प्रायोरिटीज होंगी। इस प्रकार की चीज़ें डिस्कस होंगी। आज की बैठक विशेष तौर से कोरोना को लेकर के ही थी, और कोरोना की पूरे देश भर में हर राज्य में क्या सिचुएशन है, इस बात को असेस किया गया। और दूसरा कि वैक्सीन आती है तो उसकी तैयारी क्या क्या है, उसकी कोल्ड चेन किस प्रकार से आप लोगों ने मेंटेन करनी है, किस प्रकार से सारी चीज़ों की तैयारी करनी है, हमारे प्रायोरिटी किसके लिए होनी चाहिए, ये अगर ये वैक्सीन आती है तो कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जिनको हमने प्रायोरिटी पर जो है ये वैक्सीन देनी है, इन सारी बातों पर डिटेल में डिस्कशन हुई है। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का संदेश था वो एक ही था कि अभी तक गारंटी नहीं है कब तक आएगी, तब तक जब तक नहीं आती है तब तक के लिए सावधानी एकमात्र रास्ता है। इसको लोगों को समझाओ, लोगों को गंभीरता लाने के लिए प्रयत्न करो, ये सबसे आग्रह था। सर, हिमाचल में आज तो ज़्यादा वैक्सीन पर ही बातचीत हुई है। हमारी हिमाचल प्रदेश में पूरी तैयारी है, मामलों में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन फिर भी हम यही कह रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि जब तक इलाज नहीं आया इसका, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस बात का हम आग्रह करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल की जनता ने बहुत बड़ा सहयोग दिया है इसमें भी, अभी आने वाले समय में हमको सहयोग। थैंक यू।